डॉक्टर तरुण की हालत कैसी है? वो अभी भी बेहोश है। बाय द वे, जो प्रिंसिपल। यस डॉक्टर। मैम, दिस इज अ पुलिस केस। आपने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है? जी हाँ। और लड़की के पेरेंट्स कहाँ हैं? मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, आते होंगे। मैम, आंटी बस पहुँचने वाली होंगी। तरुण की हालत कैसी है डॉक्टर साहब? वेल मैम, वो अभी तक जिंदा है, ये बहुत बड़ा मिराकल है। गोली थोड़ी सी बेदरूद लग जाती तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती। अब क्या करेंगे आप लोग? हमें सीटी स्कैन करना पड़ेगा। क्यों? गोली ब्रेन के एक हिस्से में लगी है। सीटी स्कैन से ये पता चलेगा कि गोली कहाँ है, फिर ऑपरेशन करके निकाल लेंगे। व्हाट आर द चांसेस डॉक्टर? तरुण बच तो जाएगा ना? ऐसे केसेस में तो इवन वी बिलीव इन गॉड मोर देन आवरसेल्व्स। हम तरुण को देख सकते हैं? वेल अभी नहीं। आंटी, आंटी आ गई। आप तरुण की कॉलेज की प्रिंसिपल है ना? जी हाँ। मुझे फोन पर मैसेज मिला है कि तरुण का एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ है वो? वो आईसीयू में है मैम। मैं उसे देख सकती हूँ? वेल मैम, अभी नहीं। क्यों? हम उसे सीटी स्कैन के लिए लेके जा रहे हैं। उसके सर में चोट लगी है। ये कैसा एक्सीडेंट था? आप लोग सब चुप क्यों हैं? ये कैसा एक्सीडेंट था? डॉक्टर साहब प्लीज मुझे कुछ बताइए। आई एम हिज मदर। वेल मैम, ये एक्सीडेंट नहीं है। आपके बेटे ने आत्महत्या की कोशिश की है। He shot himself in his head. He shot himself in his head. ये सब कब से चल रहा है? इसकी शादी के 2 साल हो गए। शादी के 2 महीने के बाद से ही ये सब शुरू हो गया। और ये तो बहुत दिनों तक मुझसे छुपाती रही, पर कब तक छुपाती? आपको इसके बारे में कब पता चला? 1.5 साल पहले। और आप लोग आज यहाँ आ रहे हैं? नहीं सिंह साहब, मैं तो पहले ही आ जाता। रीमा ही मना कर देती थी। क्यों? अब इसी से पूछिए। क्या करता है तुम्हारा पति? वो एक मल्टीनेशनल फर्म में काम करता है। MBA है। वो इतना पढ़ा लिखा होकर ऐसा व्यवहार करता है? खाली पढ़ाई लिखाई से इंसान का वहशीपन दूर नहीं हो जाता सिंह साहब। बेटी, तुम अपने पति से बेहद प्यार करती हो। शायद उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन तुम मेरी बेटी की तरह हो, इसलिए तुम्हें एक सलाह देता हूं। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ मारपीट करता है और तुम चुप रहती हो। This does not work. गुप्ता जी, आपने कहा इस शादी को कोई 2 साल हो चुके हैं, कोई बच्चे? ये मां बनने वाली है सिंह साहब। क्या तुम्हारा पति ये जानता है बेटी? जी। कैसा आदमी है, एक गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाता है। बेटी, you've been taking all this. इसकी प्रॉब्लम क्या है? आपने बात की उससे? वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। और उसके परिवार वाले भी कुछ नहीं कहते? वो अकेला है सिंह साहब। कहीं ये दहेज वहेज का चक्कर तो नहीं है? नहीं, वो मुझसे एक पैसा नहीं लेना चाहता। ये कैसी शादी की आपने गुप्ता जी? आपको कम से कम कुछ पूछताछ कर लेनी चाहिए थी। ये शादी मैंने नहीं की थी सिंह साहब। फिर? ये सब कुछ रीमा की मर्जी से हुआ था। क्या ये अरेंज मैरिज नहीं थी? जी नहीं, ये क्या कहते हैं वो लव मैरिज थी। यार, तरुण ने अपने प्यार के लिए ये सब किया। मुझे मालूम था ये सब होने वाला है। ये सब उस पार्टी वाले दिन शुरू हुआ था। उस दिन जब किरण हर्ष के साथ में डांस कर रही थी ना, समवन शुड हैव सीन तरुण। तरुण किरण से बेहद प्यार करता था। एक्सक्यूज मी बॉस, किरण को तरुण को इस तरह डिश नहीं करना चाहिए था। लेकिन किरण ने कभी ये नहीं कहा कि वो तरुण से प्यार करती है। तरुण should have accepted that। इतना आसान नहीं। प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते। तुमको पता है माहिम में क्या हुआ? एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मार डाला। ये कैसा प्यार है? प्यार में जान दी जाती है, ली नहीं जाती। इसीलिए तरुण ने जान दी और ये सब किरण की वजह से हुआ। चुप कर यार, तू इतना उखड़ क्यों रहा? बकवास मत कर। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? सुन नीलेश, अगर किरण ने तरुण को धक्का नहीं दिया होता ना तो आज वही खत्म हो गया होता। इसलिए कह रहा हूँ कि बकवास मत कर। Stop this bitching। और अगर कुछ करना है ना तो तरुण के लिए प्रार्थना कर। वो तो करेंगे ही हम, लेकिन तेरे कहने से नहीं। लेकिन जो फैक्ट है सो फैक्ट है। Stop that। तरुण को आत्महत्या करने के लिए किरण ने मजबूर किया। Cool down। उसने फ्लर्ट किया पहले तरुण के साथ, फिर उसको छोड़ दिया। This is too much। Shut up, Jay। Shut up। Hold on, friends। Hold on। नीलेश, hold on। Just hold on। जा जा, ज़्यादा नेते गिरी मत कर तू। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मैम। किरण और सुमन कहाँ हैं? मैम यहीं कहीं है। ये इंस्पेक्टर सिन्हा है। इन्हें किरण और सुमन का बयान लेना है, उनसे मिलवा दीजिए। आप इसे लव मैरिज कहते हैं? मुझे तो ये हेट मैरिज लगती है। आप ठीक कह रहे हैं सिंह साहब। एक बात पूछूं रीमा? पूछिए। क्या तुमने कभी कल्पना भी की थी कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा? I mean, कैसा प्यार था? Instant love? हमारी शादी हमारे मिलने के 1 साल बाद हुई थी। और उस दौरान तुम्हें अपने हस्बैंड के वायलेंट नेचर के बारे में कुछ नहीं पता चला? लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है रीमा? तो बोलिए गुप्ता जी, क्या करना है आपको? क्या किया जा सकता है सिंह साहब? करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या नाम है आपके दामाद का? दमन, दमन रॉय। उसने जो रीमा के साथ मारपीट की है उसके लिए उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है। बेल भी नहीं मिलेगी उसे। नहीं। एक और काम हो सकता है, पुलिस उसे डरा धमका कर छोड़ सकती है। नहीं। एक और रास्ता है, आखिरी रास्ता। तलाक? नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए। पापा प्लीज चलिए यहाँ से। बेटी। पापा प्लीज। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस सर, बट आई डोंट नीड लीगल हेल्प। मेरे पापा मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। इट्स ओके, डोंट वरी। मैं आज भी दमन से बहुत प्यार करती हूँ। रीमा जी। बेटा, लोग कहते हैं कि प्यार से हर समस्या का समाधान हो सकता है। आई होप दैट यू एंड योर हस्बैंड प्रूव दैट सेइंग टू बी ट्रू। आजकल प्यार भी वॉर की तरह होता है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। बियर पीने का दिल कर रहा है। यहाँ बियर पिएगी तू? मैं भूली नहीं हूँ। यू हैव टू ट्रीट मी ओके। तू एकदम पागल लड़की है। क्यों? यहाँ इतना सब कुछ हो गया और तू बियर की बात कर रही हो? तो मैं क्या करूँ? क्या करूं? हाँ क्या करूं? किरण, तरुण कुछ भी है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि पता नहीं तुम लोग मुझसे क्या उम्मीद रखते हो कि मैं यहाँ पर बैठकर आंसू बहाऊं, ये कहूं कि तरुण तुमने ये क्या किया मुझे माफ कर दो, या छे। तुम्हें दुख नहीं हो रहा है? मैंने कुछ पूछा, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? I find the whole thing very funny। बहुत अच्छा फिल्मी सीन था वो। तरुण आया, पिस्तौल निकाली, फिर एक फिल्मी डायलॉग मारा, फिर उसके बाद उसने अपनी कनपट्टी पर बंदूक रखी और फिर ठाएं। तरुण सच में तुमसे बहुत प्यार करता था किरण। नो, दिस कैन नॉट बी लव। नो, ये एक बचकानी हरकत है। अगर एक छोटा सा बच्चा ऐसी हरकत करता है बात समझ में आती है, लेकिन तरुण जैसा मच्योर लड़का अगर ये हरकत करता है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है। क्या? कि वो एक मेंटल सिकनेस, दिमागी बीमारी का शिकार है किरण। हाँ, और सबसे बड़े अफसोस की बात क्या है जानती है सुमी? क्या? हम इस बीमारी को प्यार समझते हैं। कहाँ थी तुम दोनों? किरण, ये इंस्पेक्टर सिन्हा है। हाय किरण, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तू क्या चाहती है? मैं एक बाप होकर ये सब चुपचाप देखता रहूँ? पापा, मैं ये तलाक नहीं लेना चाहती। फिर क्या चाहती? I can sort it out. कैसे? पापा, मैं अभी दमन से प्यार करती हूँ। और दमन? वो भी मुझसे प्यार करता है। इसलिए ये हालत करता है तुम्हारी? पापा, अगर हमारी शादी टूट जाएगी तो बहुत खुशी होगी आपको। वो किस माँ बाप को इस बात से खुशी होती है? तो फिर आप तलाक की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं बेटा। मैंने अभी तक वही किया जो तुमने चाहा, लेकिन जब तू इस हाल में घर आती है ना तो मेरा दिल दहल जाता है। तुम्हारी माँ और मेरे मन में हमेशा ये डर बैठा रहता है कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। मुझे कुछ नहीं होगा। ईश्वर के लिए ऐसा ही हो। चले? मैंने सुना है कि आपको और तरुण को कॉलेज से निकाला गया था क्योंकि क्लास में आपने एक दूसरे को किस किया था। जी हाँ। आप तरुण से प्यार करते हैं? जी नहीं, सिर्फ फ्लर्ट करती थी। सपोज मैं उससे फ्लर्ट करती थी तो इज इट इलीगल? मिस किरण, आप लकी हैं कि आप अभी भी जिंदा हैं। ये लड़का खुद को गोली मारने के बजाय आपको भी गोली मार सकता था, आपको जिंदा भी जला सकता था, आपके चेहरे पर एसिड भी फेंक सकता था। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। आजकल लोग प्यार के लिए कुछ भी कर देते हैं। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। तरुण ने आपसे, मतलब आपको पहले कोई धमकी दी थी? जी हाँ, उस दिन रात को वो मेरे घर आया और पीकर आया था। वो क्या चाहता था? वो रात को 12 बजे मुझे ड्राइव पर ले जाना चाहता था। And I refused. फिर उसने मुझे धमकी दी। क्या? कि अगर मैं चैन से नहीं रह सकता तो मैं तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगा। सबा, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? मैं उनसे बात करना चाहूँगा। मेरी माँ है, लेकिन इस वक्त वो इंडिया में नहीं है। वो नेशनल ज्योग्राफी के एक असाइनमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया गई है। और कौन है आपके घर में? कोई नहीं है। क्यों? नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। ये मेरा कार्ड है, रख लीजिए। थैंक्स। टेक केयर। बाय। मुझे डर लग रहा है सुमी। हेलो। हेलो बाबूजी। बाबूजी, मैं सुषमा। सुषमा? बेटी, व्हाट अ सरप्राइज। शुभ, सुषमा का फोन है। हाँ बोलो बेटी, कहाँ से बोल रही हो? न्यूयॉर्क से। गेस कीजिए। मैं कैसे गेस करूंगा? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। दिल्ली से? हिंदुस्तान कब आई तू? कल ही आई हूँ बाबूजी। अच्छा अच्छा। यहाँ कुछ रिसर्च का काम है। पहले फोन नहीं किया, आपको सरप्राइज देना चाहती थी। बॉम्बे कब आ रही हो बेटी? कल। मेरे साथ कोई और भी है। कौन? बम्बई आने पर बताऊंगी। ओके। माँ से बात कराइए। शुभ, शुभ, सुमन। बेटी लगता है घर पे कोई नहीं है। कौन सी फ्लाइट पे आ रही हो? मैं गाड़ी भिजवाता हूँ। कुछ पक्का नहीं है बाबूजी। You don't have to worry. मैं आ जाऊंगी। Okay. नमस्ते। हाँ, bye बेटी। I'm looking forward to seeing you. हाँ, bye, bye. Hello. मैं बोल रही हूँ। शुभ, तुम कहाँ हो? हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। अस्पताल? कॉलेज में एक घटना हो गई आज। क्या हुआ? वो लड़का था ना तरुण, जिसको मैंने कॉलेज से निष्कासित किया था। हाँ हाँ। उसने अपने आप को गोली मार ली। क्यों? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। हम लोग उसको अस्पताल लेकर आए हैं। सुमन मेरे साथ है, शायद हम लोगों को देर हो जाएगी। मैं आऊँ वहाँ? नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। अच्छा सुनो, सुषमा का फोन आया था। न्यूयॉर्क से? नहीं, दिल्ली से। वहाँ क्या कर रही है वो? वो कल बम्बई आ रही है, खुद पूछ लेना तुम। ठीक है। ओके बाय। सीटी स्कैन की रिपोर्ट आ गई है। आई थिंक वी हैव टू ऑपरेट। प्लीज कम। वेल मिसेस पुरी, ये बहुत जरूरी है कि सारी बात आप समझ लें। जी। गोली दिमाग के एक हिस्से में जाके बैठ गई है। अब उसने ब्रेन को कितना डैमेज किया है ये कहना बहुत मुश्किल है। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। दिमाग को समझने में हम अभी पूरी तरह कामयाब नहीं हुए मिसेस पुरी। ये ऑपरेशन जो हम करने जा रहे हैं ये बेहद मुश्किल और जोखिम भरा ऑपरेशन है। क्या क्या हो सकता है डॉक्टर? या तो तरुण बिल्कुल ठीक हो सकता है, या तो 3 सिचुएशंस हैं। नंबर 1, तरुण बच तो जाएगा लेकिन वो फिजिकली हैंडीकैप हो सकता है। नंबर 2, वो कोमा में जा सकता है, एंड यू नो व्हाट कोमा इज। और तीसरी सिचुएशन बोलिए। ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत भी हो सकती है। ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा भी रास्ता है? I don't think so. डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। Okay. डॉक्टर। Yes, Mrs. Puri. क्या मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ? Sure. Please come with me. Thank you.